परम सत्कारयोग सत्संग जी, अज की साखी है तपत माए ठाठ वरताए आनंद पया दुख नाठे पाए। सतगुरु गरीब निवाज हुंदा है। एक निमाणी गरीब बीबी उत्ते सतगुरु जी ने किस तरह कृपा दा मीह वरसाया, थले लिखी साखी सुनो। ये साखी लगभग 1985 साल की है। डाल्टनगंज के सेठ बलवंत सिंह जी दुकान पर एक कनश्याम नाम का आदमी वही खाते का काम करता सी। उहदे छोटे भरा दे ते कतल का केस बन गया। जदों उस नू पुलिस पई तो वह भज गया, पता ना लग्या कि कित्थे गया है। पुलिस उहदे वड्डे भरा कनश्याम नू तंग करन लग पई। वह विचारा भी डरदा भरिया भज गया। उहदी वाटी ते बच्चे पिछे रह गए, उन्हां दी आमदन बंद हो गई। खर्चे तो तंग आ के कनश्याम दी घरवाली सेठां दे भांडे मांज के गुजारा करन लग पई। जिन्हां दिनां दी इह वार्ता है उन्हां दिनां विच जथेदार सूबा सेवा सिंह जी जमुना नगर वालिआं दा डेरा सेठ अमर सिंह जी दे घर सी। एक दिन उह बीबी उन्हां दे भांडे मांज रही सी तां सेठ अमर सिंह जी ने दे घरों बीबी जीत जी उहनूं कहन लगे कि यह बीबी साढ़े भांडे मांजती है, इसनों भजन दे दिओ। सूबा जी ने उसनों भजन दे दिता। समा लंघता गया, उहदीआं लड़कियां जवान हो गई। उस बीबी नूं उहनां दे विआह की बड़ी चिंता लग गई। वह सोचन लगी कि साढ़े समाज विच ते विआह ते बड़ा खर्च हुंदा है, मैं इन्हां नूं किस तरह विआवांगी। पेश ना जांदी वेख के एक दिन उहने मन बना लिया कि कल मैं किसी खूह विच छाल मार के मर जाना है। एक कुछ सोच दी रात नूं सौ गई। रात नूं उहदे कमरे विच बहुत प्रकाश होया, वह उठ बैठी। प्रकाश विचों उसनों सार्थक श्री सतगुरु राम सिंह के दर्शन हो गए। उसनों नहीं सी पता कि ये कौन है। सतगुरु जी राम सिंह जी ने हुक्म किया कि बीबी गलत काम नहीं करना, तेरा काम मैं करांगा। इन्ना बचन करके वह लोप हो गए। अगले दिन सवेरे उठ के बीबी सेठ बलवंत सिंह जी के घर भांडे मांजन गई तो उसने उस घर वालियां नूं बीबियां दी उस घर वालियां बीबियां नूं दस्सिया कि कल मैं सोचा सी कि मैं खूह विच छाल मार के मर जाना है। मैनू रात नूं किसे महापुरख दे सामर्थक दर्शन दे के आख्या कि बीबी गलत काम नहीं करना, तेरा काम मैं करांगा। उन्हां बीबियां ने उस नूं आख्या, तैनू तस्वीर विखाने हाँ, तू पछाण ले सकेंगी। वह कहन लगी, मैं पछाण लवांगी। उन्होंने उसनों एक कमरे में लिजा के तस्वीर विखाइया। वह आखन लगी कि इन्हों विचों कोई नहीं। दूसरे कमरे में सतगुरु राम सिंह जी की फोटो वेख के बीबी समस्तानी हो गई। वह कहन लगी कि इन्होंने ही मैनू रात को दर्शन दिते। वह बीबियां कहन लगियां कि तू तो बड़े वड्डे भागा वाली है, तेनू दर्शन हो गए हैं, हुण तेनू चिंता करन दी लोड़ नहीं, हुण तेरा काम हो ही जाना है। वह बीबी ने सूबा सेवा सिंह जी ने दस्या कि मैनू कोई यतन नहीं करना पिया। थोड़े दिनों बाद ही कुड़िया की मंगनी हो गई। मुंडे वाले ने विआह मंगया, मैं मान लिया। बरात आने दे दिन नेड़े आ रहे सन, पर मेरे कोल ते पैसे ही नहीं सन। मैनू बहुत चिंता लग गई। एक दिन मैं बड़ी चिंता विच बैठी हुई सा, मैनू बाहरों आवाज आई कि नामधारी आ गए। मैं सोचा कि नामधारी ते सेठ इंदर सिंह जी नूं कहिंदे हन, ओह ते रांची हस्पताल विच बीमार पए हन, ओह किस तरह आ गए। मैं छेती नाल बाहर निकली तां मैनूं बड़ा प्रकाश दिसिया। मैनूं सतगुरु जगजीत सिंह जी दे एक हाथ उत्ते सवार होयां दे दर्शन होए, एक रथ उत्ते सवार होयां दे दर्शन हो गए। मैं नमस्कार कीती ते सतगुरु जी अलोप हो गए। उस तो बाद मेरे घर ते जिमें माया दा मीह ही पैण लग पिया। कदी कोई आके पूछ जांदा कि अते कदी कोई आके कुछ दे जांदा। मेरे घर ते माया नाल भारी ही गया, मेरा कारज बहुत सोहना हो गया। सूबा जी दसदे हन कि कुछ चेर बाद वह सेठ अमर सिंह जी दे कहन ते डाल्टनगंज गए। वह बीबी आ के उन्होंने मिली अते आखन लगी कि हुण मेरा पति भी घर आ गया है, मेरा मुंडा भी व्याया गया है, नूँ भी घर आ गई है। धन हन कृपा निदान गरीब निवास सतगुरु जगजीत सिंह जी, आओ उन्हां दे चरणां ते कोटि कोटि नमस्कार कर लिए। सत श्री अकाल।